नोटिस कीजिए, आपको तो पता है कि आपके पास में DSO के यहाँ पर एक 1 kHz की कपलिंग पावर है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। आप उसको प्रोब के हो, आप कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि क्या मुझे 1 kHz मिल सकता है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर। तो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र अग्रवाल आज आपके साथ में लेके आया ओवन की SDM2041। हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इस मशीन को लिए हुए मुझे लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया होगा आई गैस, और अब इस मशीन पे मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा, ये मैंने ये मशीन क्यों खरीदी है इसके बारे में मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो का पूरा रिव्यू देखिए, इस मशीन में क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं इस मशीन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खैर, दूसरी बात दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ एक मल्टीमीटर लेके पूरी ज़िंदगी निकालना चाहते हैं। आप अगर इस सोच के हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। पर जो अपडेट होने के बारे में सोचते हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और जो नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि जो मुझे आता है वो तो ठीक है पर जो कुछ नया है उसको भी सीखा जाए, वो वीडियो को ज़रूर देखेगा। और ये मशीन कोई प्रमोशन बेस मशीन नहीं है, ना ही मैं आपको किसी का नीचे नंबर देने वाला हूँ, ना किसी टूल वाले का नंबर देने वाला हूँ। हाँ, ये किससे खरीदी है ज़रूर बताऊँगा, बट ये मशीन बेसिकली मैं प्रमोशन बेस पे नहीं, ये मेरी खुद की एक मेरी अंदर की एक आप कह सकते हैं कि मेरा थॉट था कि मुझे इस मशीन पे काम करना था और मुझे मशीन अपने लैब में चाहिए थी, इसलिए मैंने इस मशीन को परचेस किया। क्या हमें इस मशीन से खास मिल सकता है, क्यों मैंने ये मशीन को परचेस किया, अब ये सारी चीज़ें तो खैर आप नहीं समझ सकते, बट मैं इस वीडियो में इस मशीन का रिव्यू ज़रूर दूंगा और इस मशीन में क्या क्या फंक्शन है ये आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, इस वीडियो को आपको बहुत जानकारी मिलेगी। ये खरीदना नहीं खरीदना आप पर है, आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है मशीन, पहले ही बता दूँ। आपकी सोच है, आपको अच्छी लगेगी तो आप कुछ आप जाइए खरीदिए मशीन, पर ये मशीन उन टेक्नीशियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी इनिशियल पीरियड पे हैं। ये मशीन वही खरीदें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, जो अपडेट में बिलीव करते हैं, जो अपने लैब को हाईटेक बनाना चाहते हैं या कुछ नया इनोवेटिव करना चाहते हैं। वैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक मैं मल्टीमीटर आप कह सकते हैं, ये डिजिटल मल्टीमीटर है, हम बेसिकली इसको बेंच टॉप मल्टीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक DSO या एक CRO जैसे दिखाई देता है। और ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लुक करते हैं, और मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, मैं सीधे इस मशीन के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। सबसे पहले इस मशीन के आपने चारों तरफ के रिव्यू ले लो। आप देख सकते हैं इस मशीन में आपको यहाँ पर प्रोब लगाने के लिए काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं होल दिए हुए हैं, इन होल के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्लस एक आपको नेविगेट करने के लिए आपको रैप्ड राइट और अप डाउन का भी बटन दिया है, प्लस रेंज एंड यहाँ पे डुअल एंड एडजस्ट, और यहाँ पे आपको मल्टीमीटर के पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके पैनल है, LCD स्क्रीन इसकी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी हैवी है ऐसा, और इसको खोल के भी हम इसको देख सकते हैं, बट मैं इसको खोल के आपको अगर इसके अंदर की चीज़ें दिखाऊं भी तो आपको कोई फ़ायदा है नहीं आई गैस, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसको खोलना बेकार है। बट मैं आपको बता सकता हूं कि इसके पीछे आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने RS232 का पोर्ट दिया हुआ है, जिसको हमें लैपटॉप में तो हम लगा नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें कन्वर्टर लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको PC मोड से कनेक्ट करके फ़िलहाल तो नहीं दिखा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अलावा आपको यहाँ पर नॉर्मल पावर केबल दिया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने अपने कुछ पैरामीटर्स डाले हैं, वोल्टेज कितना ले सकता है, फ्यूज़ भी इन्होंने अपने साथ दिया है। प्लस ये नीचे रखने के लिए आप देख सकते हैं सपोर्ट सिस्टम ग्रिपिंग दी हुई है चारों तरफ में, ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो यहाँ पर ये आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको हीट वेंटिलेशन के लिए आपके डॉट्स हैं यहाँ पर। इस मशीन को नीचे रखने के लिए इस तरह से कुछ इन्होंने आप देख सकते हैं ये हैंडल भी दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके भी रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस मशीन का यूज़ नॉर्मल आप कर सकते हैं अगर आप मल्टीमीटर चलाना चाहते हैं या जानते हैं। जनरली SDM2041 का हिंदी में अभी तक कोई रिव्यू नहीं है, बेसिकली
और रिव्यू होगा भी तो सिर्फ एक टूल वालों की तरफ से है, बट टेक्निकली रिव्यू नहीं है। आओ मैं आपको थोड़ा टेक्निकल रिव्यू देता हूँ। बट मैं सबसे पहले इसको केबल लगा के इसको ऑन करता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला क्योंकि मुझे इसका वीडियो डालना था, और इसके रिव्यू लेने के बाद, इस पर चलाने के बाद, मैंने इसको काफ़ी हद तक, काफ़ी महीना चलाया, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं उसमें इन्होंने इस मशीन को ज़रूर देखा होगा। तो हम इस पर पावर देंगे, पावर देने के बाद आप देखें यहाँ पे बटन है, ये पावर का बटन है। अगर हम इसको दबाते हैं तो ये लगभग 10 सेकंड के अंदर बूट करता है, कुछ 10 सेकंड में मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि अंदर बूट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरियस मोड दिखाई देंगे, तो सबसे पहले और इन मोडों की रेंज को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक पैरामीटर, यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। जैसे कि DSLR में होता है कि हर मेन्यू के आगे एक लाइन और एक बटन है, आप उसको क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको जो भी है इनिशियल चीज़ें आपको बताऊँगा ताकि आपको इससे हेल्प मिले। ये वीडियो जरूर देखिएगा भले आप इसको कभी ज़िंदगी में परचेस करें, नॉलेज, क्योंकि आप नॉलेज जितना लेंगे आपको नॉलेज एक असीमित होता है, और नॉलेज मिलता रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम प्रोब की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमें प्रोब यूज़ करना है वो बेसिकली हमें इनपुट में यूज़ करना है। मल्टीमीटर में जैसे कि आप देखते होंगे हमेशा प्रोब कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर भी आपको ओम्स वोल्टेज, ये आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा, इसके प्रोब्स बहुत ही नीडलेस की शार्प है और बहुत ही पैनी है, और थोड़ा पुश करने पे भी दब जाती है। खैर इनमें अलग से एक नीडल आती है, तो मेरे पास बहुत सारे नीडल्स हैं, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट में ओम्स वोल्ट कैपेसिटर डायोड ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग का सिंबल है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ट्रायंगल जैसा बना है। यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, और यहाँ दोनों पे हाई लिखा है, दोनों पे लो लिखा है, और यहाँ पर एक और रेड है। अगर बेसिकली ये तो फ्यूज़ है, ये तो कोई आपका कोई प्रोब लगाने का बेसिकली सोर्सेस नहीं है, तो आपके जो सोर्सेस हैं वो ये दो ही हैं। और अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, जैसे अगर हमें ओम्स वोल्टेज और डायोड और कैपेसिटर में यूज़ करना है, क्या चेक करना है, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा रेड वाले को, और इसके लो इसके नीचे है। अगर हम 4 वाट सेंस अगर हम ओम्स में चेक करना चाहते हैं तो हमें इसको यहाँ और इसको इसके नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस मशीन की बात करते हैं फिर से। इसका जो डिस्प्ले स्क्रीन साइज़ है वो है 3.7, एक TFT LCD स्क्रीन है जिसका रिजोल्यूशन अगर मैं बात करूँ तो 480x320 का रिजोल्यूशन है, ठीक है। रिमोट सेंसर की बात करूँ तो जैसे कि मैंने पिछले बताया था कि RS232 इसके अंदर पोर्ट दिया हुआ है। प्रोग्रामर लैंग्वेज की बात करूँ तो ये SCPI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत ये प्रोग्राम है, और वार्मर टाइम 30 मिनट का है इसका। डायमेंशन की बात करूँ तो 235x110x295 mm का डायमेंशन है, और वेट इसका अप्रॉक्स है 2.3 kg, 2.5 kg का अप्रॉक्स इसका वेट है। DC और AC की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे V दिखाई देता है। इस V में आपको दो चीज़ दिखाई देगी, यहाँ पे सीधा जो लाइन है वो DC है, और नीचे जो AC है कर्व। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज बदल रही है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद में 1, 2, 3, 4 जीरो हैं, जबकि हमारे मल्टीमीटर में 3 जीरो होते हैं क्योंकि ये मिली वोल्टेज को सेंस करती है। और मैंने सबसे बड़ा कारण इसको खरीदने का एक ये है कि मुझे मिली वोल्टेज में वोल्टेज सेंस करना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप रेंज, यहाँ फंक्शन, और यहाँ पे एक पैरामीटर दे सकते हैं, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे स्पीड। सबसे बड़ी बात है आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लो स्पीड करने से आपको वोल्टेज थोड़े धीरे स्पीड में दिखाई देंगे, कुछ देर बाद वो अपने हर एक पॉइंट को चेक करेगा तब जाके वोल्टेज लाएगा, और हाई में वो सडनली उसको ला देगा। तो रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो रेंज है, और ऑटो रेंज में अगर हम टिक करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हमें रेंज मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 500 मिली वोल्टेज या 50 मिली वोल्टेज चेक करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लूँगा तो मुझे मिली वोल्टेज दिखाई देंगे, उसके ऊपर जो भी वोल्टेज है मुझे ओवरलोड दिखाई देंगे, ठीक। और मैं अपनी रेंज को बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ से 5 वोल्ट और नेक्स्ट करके 500 to 50 वोल्ट भी कर सकता हूँ। अब मुझे जो मेरे 4 वोल्ट है या 20 वोल्ट है, 25 जो भी वोल्टेज है मुझे बहुत ईमानदारी से इमीडिएटली दिख जाएंगे। तो मैंने खास तौर पे कहा कि एक मिली वोल्टेज के लिए डिज़ाइन मशीन है,
ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैनुअली यहाँ पर पहले से रेंज सेट है, तो जो जो भी आप रेंज सेट करेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैनुअली यहाँ पर क्या सेट है। वैसे ही वोल्टेज है, वैसे ही एम्पियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो एम्पियर दिखाई दे रहा है आपको, यू का मतलब माइक्रो होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज आपको यहाँ पे एम्पियर की दिखाई देगी, जो कि आपको ले जाएगी 10 एम्पियर मैक्सिमम, जो कि नॉर्मल मल्टीमीटर में आजकल होता है, पर ये नॉर्मल मल्टीमीटर में 10 उसके कम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 500 माइक्रो एम्पियर मिल जाएगा, जो कि 50 मिली एम्पियर मिल जाएगा, 5 मिली एम्पियर मिल जाएगा, जिससे आपको चेक करने में काफ़ी आसानी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं आप जो एम्पियर है वो एसी में भी चेक कर सकते हैं और डीसी में भी चेक कर सकते हैं। तीसरा है आपका ओम्स, डायोड और बजर मोड, तो ये इसका आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस मोड है, जिसको आपको किलो और मेगा तक ले जाएगा। इसका जो मैक्सिमम है वो ऑब्वियस है कि 60 मेगा है, सबके मैक्सिमम होते हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखा ये मेगा के बाद में जो भी है ओवरलोड दिखाएगा, अगर मैं इसको हाई करता हूँ तो ये इमीडिएटली मेगा तक दिखाएगा, ओवरलोड दिखाएगा, फिर क्लोनी दिखाएगा, क्योंकि इसको चेक करने के लिए काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, जो कि बहुत कम लोग समझ पाएंगे। बाकी रेंज की बात करेंगे तो हम यहाँ पे 500, 5 किलो, 50 किलो, और नेक्स्ट हम जाएंगे तो 500 किलो, 5 मेगा और 50 मेगा मैक्सिमम यहाँ पर रेंज डी है, जो कि 50 मेगा तक ये आपको चेक करके देगा। ठीक है, और उसके बाद में एक और बटन दबाएंगे तो काउंट, मतलब यहाँ पे आपको बजर मोड आ गया है। इसके बजर मोड का इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है, और देखिए बिल्कुल 0-0 के साथ कोई रीडिंग नहीं है, जो कि आपको पीसीबी की एक एक पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग भी आपको देने वाला है। आप चाहें तो इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हैं और इसको 50 से आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि ये थ्रेशोल्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये इसे 50 ओम्स तक रेजिस्टेंस में बजर मारेगा। अगर सपोज़ आपका कोई वायर या किसी तरह के कंपोनेंट में रेजिस्टेंस 50 ओम्स से ज़्यादा है तो ये उसमें बजर नहीं मारेगा। तो जो भी अगर आपके 50 ओम्स से कम वैल्यू का होगा तो ये उसमें बजर मारेगा। आप चाहें तो इसको, आप बजर आपको इरिटेट कर रहा है तो आप इसकी बजर को बंद भी कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, तो देखिए अब बिना बजर के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे बीपर का साउंड दिया है कि आप इसको चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर ये आपको डायोड मोड दिया हुआ है। यहाँ पे वीडीसी का क्या मतलब है, क्योंकि डायोड मोड एक तरह के एक मिली वोल्टेज के रूप में हम इसको चेक करते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि डायोड मोड बेसिकली हम जीआर निकालने के लिए चेक करते हैं। ठीक है, जो कि एक मिली वोल्ट में हमें मिलता है। डायोड मोड में अगर मैं इसको यहाँ पे टच करूँ तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे बीपर का साउंड है। बीपर आने का वजह वही है, आपके डायोड मोड में यहाँ पर आप बीपर को हटाएंगे तो आपको डायोड मोड पे बीप सुनाई नहीं देगी, पर यहाँ पे कोई भी रेंज नहीं है तो बीप तो वो आएगी किसी भी मोड में, मतलब किसी भी रेंज में। तो आप देख सकते हैं जो कि आपको वोल्टेज डीसी अभी मिल रहा है 0.000, और आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 4 जीरो है, जो कि सबसे बेस्ट है, मतलब आपको यहाँ पर वो रीडिंग देखने को मिलेगी जो आप शॉर्टिंग में मिस कर जाते हैं। खैर, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये कैपेसिटर मोड है जिसमें आप देख सकते हैं NF मतलब नैनो फराड। ठीक है, रेंज की बात करेंगे तो 50 नैनो फराड से माइक्रो फराड, और उसके बाद में मैक्सिमम पर जाएंगे तो ये आपको दिया हुआ है मिली फराड, 50 मिली फराड तक है। तो कैपेसिटर मैंने इसमें बहुत अच्छे से काम किए हैं, और जो भी मैं अभी एंड्रॉयड और आईफोन में काम कर रहा हूँ तो इसी से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, और काफ़ी एक अच्छी मशीन है मेरे लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ऑटो नैनो फराड है, हम इसको क्लिक कर सकते हैं तो ये मैनुअली हो जाएगा, पहले तो ऑटो था। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्वेंसी पे आते हैं। दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी भी काउंट करती है, नोटिस कीजिए, आपको तो पता है कि आपके पास में डीएसओ के यहाँ पर एक 1 किलोहर्ट्ज़ की कपलिंग पावर है, जिसको आप चेक कर सकते हैं, आप उसको प्रोब के हो आप कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको यूज़ करूं तो आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि क्या मुझे 1 किलोहर्ट्ज़ मिल सकता है कि नहीं। ये मैं चेक करने के लिए कि क्योंकि फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, फ्रिक्वेंसी को चेक करता है, और इसने बोला है 60 मेगा तक ये फ्रिक्वेंसी चेक करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है। हम जब भी ये देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 999.9 मिल रहा है, मतलब ये 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आपको दे रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये फ्रिक्वेंसी, और इवन जो 50% नीचे आपको दिखाई दे रहा है,
बहुत छोटे में आई थिंक आपको दिखाई दे गया होगा। तो ये इसकी ड्यूटी साइकिल होगी, पीरियड या ड्यूटी साइकिल होगी इसके, जो कि यहाँ पर मतलब इतने टाइम पे ये ऑन इतने टाइम पे ये ऑफ हो रही होगी। तो काफ़ी एक अच्छा फंक्शन मुझे लगा, आई गो एस पीरियड है ये इसका। सो 999.9 मतलब 1 kHz की फ्रिक्वेंसी। तो आपने देखा कि ये एक फ्रिक्वेंसी काउंटर है, ये फ्रिक्वेंसी को काउंट कर सकता है। और दोस्तों ये 60 MHz तक की फ्रिक्वेंसी को काउंट करता है, जो कि इसके पीछे आप इस पन्ने में देख सकते हैं। इस पन्ने में फ्रिक्वेंसी काउंटर यहाँ पर साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। तो 110 Hz से 60 MHz तक ये फ्रिक्वेंसी को काउंट कर लेता है। तो इसके अलावा आप देखिए कि इसके बाद में लास्ट जो है वो टेम्परेचर का है, जिसमें आपको सेल्सियस मिल रहा है। आप इसको यूनिट से चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के सेल्सियस और इस तरह के आपको यूनिट, 3 यूनिट आपको देखने को मिल रही है। जनरली हमारे मल्टीमीटर में 2 यूनिट होती हैं, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस, ठीक है। तो ये भी आप इसको चेक कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर और कुछ मोड मिल रहे हैं मल्टीमीटर DSO के, जैसे बिल्कुल DSO में आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे DSO में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर मेजरमेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक्वायर है, स्टोरेज, कर्सर, डिस्प्ले और यूटिलिटी है। यहाँ पर आप देखिए जो सेप हम जो भी हम लाइन को चेक कर रहे हैं या जो भी रीडिंग हम चेक कर रहे हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करने पर एक हार्ट, एक डिस्क का सिंबल आता है, रिकॉर्ड, हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। खैर, तो ये रिकॉर्ड का बटन है, ये स्टॉप है, हम किसी भी रीडिंग को रोक सकते हैं। अगर हमें किसी स्टूडेंट को दिखाना है या हमें खुद देखना है, तो हम उसी रीडिंग को रोक सकते हैं बताने के लिए कि देखो इतने वोल्टेज यहाँ पर, इतने कुछ मिली वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये पोर्ट के लिए है, जब भी आप इसका RS-232 यूज़ करोगे तो आप यहाँ से इसका बोर्ड को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर अब ये बता रहा है बेसिकली, तो अगर कोई और बोर्ड से आप इसको अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग ये दे रहा है कंप्यूटर के हिसाब से। ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी में आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, एक चाइनीज़ लैंग्वेज और इंग्लिश, दो ही लैंग्वेज हैं यहाँ पर, ठीक है। बैकलाइट आप यहां से कम ज़्यादा कर सकते हो, 25, 50, 75, 100। क्लॉक यहां पे घड़ी का दिया हुआ है, आप क्लॉक को सेट कर सकते हो। डेट और टाइम आप देख सकते हैं अभी कितने तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं। और डिफ़ॉल्ट, हम इसको क्लिक करके हम अपनी सारी सेटिंग को बाय डिफ़ॉल्ट ला सकते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी में यहाँ पर बैक, ठीक है, यही है। और यहाँ से ये मैच है, मिनिमम, मैक्सिमम, DB और DVM, आई थिंक आई गेस आपको ये पता होगा, नहीं पता तो उसको सीखे। खैर, अभी मेरा वीडियो इसको बताने का काम नहीं है, मेरा वीडियो इस मशीन के बारे में बताने का है कि क्या क्या इस मशीन के अंदर फंक्शन है। तो कैसी लगी ये मशीन है मुझे बताएगा ज़रूर। और क्या आपको इस मशीन के जो ऑप्शंस हैं वो बेटर लगे, मुझे मशीन के क्या ऑप्शन बेटर लगे, देखो एक नॉर्मल मल्टीमीटर वो सारे काम कर देगा, ये आपकी सोच है और आप लिमिटेड हद तक फंस गए हो। आप या आपका जो टीचर है वो जब तक अपनी सोच के एक पन्ना आगे नहीं बढ़ेगा, वो और अपडेट नहीं होगा। या तो सिर्फ मोबाइल बना लो और सिर्फ मोबाइल की हद तक काम करो, क्योंकि अभी के जो मोबाइल आ रहे हैं, हो सकता है वो तो सारे बन रहे हैं, पर क्या पता कल को क्या अपडेट आए मोबाइल में। आपको तो पता ही है मोबाइलों में नए नए अपडेट आ रहे हैं, डुअल लेयर आ रही है, एक बेसमेंट CPU की तरह एक और CPU आ रहा है क्वालकॉम के अंदर, XDX, उसके अंदर उसका खुद का पावर है PMX। बट बेसिकली अगर हम सिर्फ थ्योरी वाले टीचर पे घुसते जाएंगे और थ्योरी पढ़ते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ सीख पाएंगे। कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करना एक नई चुनौतियों को एक लाने के जैसा है। ज़िंदगी में चुनौतियां नहीं होंगी तो आप सीखोगे नहीं। अगर आपको लगता है कि आप सब आता है और आप नॉर्मल काम कर रहे हो, तो ये एक सर्टेन लेवल ऑफ पीरियड है, क्योंकि अभी तो एक साल चलो बीत जाएगा, अगले साल जब नए अपडेट आएंगे उसके में क्या करोगे। अगर आप पहले से अपडेट होते हो तो हो सकता है कि उस टाइम पर आप बाजी मार जाओ। खैर, कैसा लगा ये ओवन का SDM2041 डिजिटल मल्टीमीटर? और ये बेसिकली मुझे भेजा है रामराज टूल भोपाल, आप उनको सर्च कर सकते हैं।
और इसके साथ मुझे एक सीढ़ी मिली है उसके सॉफ्टवेयर के लिए, दो फ्यूज़ मिले हैं जिसका हमें यूज़ हमें है नहीं, ये पैरामीटर डिजिटल मटेरियल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मुझे लिस्ट मिली है, और भैया इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और नए नए वीडियो आते जाएंगे। कीप सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो, 1 लाख होने वाले हैं। और अभी मैं JCID का एक नया टूल आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ, उसका नाम अभी बताऊँगा नहीं, आईसून का जो कि मुझे अभी मिलने वाला है, और उसके साथ ही TBK का एक नया टूल जो कि वर्ल्ड फर्स्ट टूल इंडिया के अंदर, वो रिवील करूँगा मैं आपके सामने। और उसके साथ 8 और 10 दिन के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ चाइना से एक स्पेशल मशीन, एक SMD मैंने बुलाई है और मुझे मेरे पास मे बी 8 से 10 दिन के अंदर आ जाएगी, तो उसके थोड़ा रिवील करूँगा उस मशीन के टेम्परेचर, उसे IC निकाल कर बेसिकली उसकी थोड़ी डिटेलिंग दूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी हद तक लेवल पे नई नई चीज़ों को सीखने के लिए आई एम क्रेजी, यू नो आप कह सकते हो कि सर आप क्रेजी हो, और यही रीज़न है कि मैं नए नए टूल, मैं एक कपड़े में खर्च करने की बजाय, एक अपने ऊपर खर्च करने की बजाय अपने टूल पे पैसा खर्च करना ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा क्रेजीनेस तो ये है, मेरा वर्ल्ड ये है, मेरी दुनिया ये है, और मैं कहीं और पैसा खर्च करूँ और वो मोह माया की ज़िंदगी में छोड़ के आके मैं अपनी दुनिया में सेट हो गया, क्योंकि मुझे इससे ना इतनी खुशी मिलती है, नई नई नॉलेज मिलता है, और इसी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। और आपके साथ में MSO लेके आएंगे और MSO भी आपको बताएंगे किस तरह से और अपने कोर्स में MSO का भी डालेंगे अपडेट के बाद। मिलते हैं इसी तरह, थैंक यू वेरी मच, की सब्सक्राइबिंग और वॉच अस लाइव ऑन Facebook। आप Facebook में जाइए, हमें लाइव देखिए। अभी वी आर करेंटली रनिंग अ MMC बैच विद मिलन सर, जो कि एकदम हमारी जो बैच है उसको उसका जोश देखिए, हर बैच के रात में उन बच्चों का लाइव देखिए, हर दिन में उन बच्चों का लाइव देखिए। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हमारा इंस्टीट्यूट दूसरों से बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो पहली बात तो मैं इंस्टीट्यूट मानता नहीं हूँ, हमारा है गुरुकुल, डिसिप्लिन के साथ चलता है, क्योंकि हमारे में दुकान वाला सिस्टम नहीं है, इंस्टीट्यूट वाला वो सिस्टम नहीं है कि आपके सामने हम 10-10 घंटे एक फ़ोन को लेकर बैठ जाएं और दो दो तीन तीन फ़ोन बना के घर चले जाएं। हमारा सिस्टम है आपसे काम करवाना और यही हमारा मेन फोकस है, और हम क्वालिटी स्टूडेंट को ही एडमिशन देते हैं, हम हर तीसरे चौथे स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम फ्रेशर को स्टूडेंट एडमिशन नहीं देते, हम सिर्फ फ्रेशर को ही एडमिशन देते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते हैं जिसको आधा अधूरा नॉलेज है, आधा अधूरा नहीं, या जो ऑलरेडी 10 जगह से पढ़ के आया है जिसको और भी समझ में नहीं आया, उधर समझ में, इधर समझ नहीं आया, ऐसे। तो बेसिकली आप पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपने अंदर की बातें हमसे कह सकते हैं, और बेसिकली अगर आप लाइफ में वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में एक मोर आगे बढ़ना चाहते हैं, टेक्नीशियन से कुछ ऊपर बनना चाहते हैं, तो ही ऐसे टेलीकॉम आइएगा, क्योंकि यहाँ भूख प्यास सोना रहना मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करती है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और वो भी एक जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप साइनिंग। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपो निकालने वाले हैं? एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, न कि फ़ोन टीचर से, फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता?
और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।